मैं दीप्शिता हूँ, मैं भारत की छात्र फेडरेशन की ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी। हमने एक छात्र अधिवेशन रखा है, आप लोगों को मालूम होगा अगले 17, 18, 19 तीन दिन सीकर के अंदर हम ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वेंशन करने वाले हैं, जहाँ से पूरी देश से 200 से ज़्यादा छात्राएं यहाँ पे आएंगी। संगठन के अंदर उनकी क्या समस्या है, नई शिक्षा नीति के अंदर महिलाओं के ऊपर क्या आक्रमण होने वाली है, और इन जनरल देश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, इस पर हम आलोचना करेंगे। और उसी को सामने रखते हुए पूरे देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जिलों में जगहों में हम लोग ये कन्वेंशन कर रहे हैं, ताकि जो बात हम कहते हैं कि ये देश तो किसी एक जात धर्म या किसी एक लिंग परिचय की नहीं है, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, तो उन सारे लोगों की जो दिक्कत है, उन सारे लोगों का जो समस्या है, उस पर बात हो सके। 2014 की बात से जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर आक्रमण बढ़ा है, हमने हथरस देखा है, हमने आसिफा की जैसे घटना देखा है, हमने ऐश्वर्या रेड्डी का घटना देखा है, इन सारी घटनाओं पे कैसे भारत की छात्र फेडरेशन छात्र संगठन के रूप से और भी ज़्यादा ठोस लड़ाई लड़ पाए, उसके ऊपर बातचीत होगा। और उसी 17, 18, 19 की जो हमारी कॉल है, हमारी जो प्रोग्राम है, उसको सामने रखते हुए आज झुंझुनू के अंदर हम छात्र अधिवेशन कर रहे हैं। आज SFI ने झुंझुनू जिले का प्रथम छात्र अधिवेशन करवाया है, जिसमें पूरे जिले की जो विभिन्न राजकीय महाविद्यालय हैं और जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनसे छात्राओं को बुलाकर उनकी समस्याओं को और जिन महाविद्यालय के अंदर लड़कियों के जो सब्जेक्ट होने चाहिए उन सब्जेक्टों के ऊपर और जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। तथा हमारा जो SFI का ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वेंशन है 17, 18, 19 दिसंबर को सीकर में, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर पूरे देश के अंदर छात्राएं विचार विमर्श करेंगी, जिसमें नारी उत्थान के लिए क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, शिक्षा नीति से होने वाले नुकसान को हम सबके बीच रखेंगे और एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे।